मेरा नाम नाम्या जोशी है और मैं सतपाल मिडिल स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो उसका नाम माइनक्राफ्ट है और उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री को लेके मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर बनाया है और बायो को लेके मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है और साइबर सिक्योरिटी और एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हमें पानी को बचाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा वर्ल्ड मैंने बनाया है, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जो एसटीजी गोल्स पर इवॉल्व करता है और उसके लिए मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसके लिए मुझे दिल्ली में इनवाइट किया था यंग इनोवेटर समिट में, जहाँ पे मैं अपनी जर्नी से शेयर करूँ मिस्टर सत्य नडेला और मिस्टर अनंत महेश्वरी के सामने, जो सीईओ है और प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है। हाँ जी, तो जैसे ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे बच्चों को किताब से पढ़ने में मज़ा नहीं आता और कुछ लोग जैसे समझ नहीं आता उनको, तो मैंने एजुकेशन को फन लर्निंग में मिक्स किया है ताकि उनको समझ आए और उनको मज़े से समझ आए और उनको इंटरेस्ट हो पढ़ने में। तो जैसे उसका विजुअल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा समझ नहीं आता, देखने से ज़्यादा समझ आता है, इसलिए मैंने माइनक्राफ्ट को यूज़ किया। मैं मोनिका जोशी और मैं सतपाल मिडिल स्कूल लुधियाना में एज अ आईटी हेल्प की जॉब करती हूँ। मेरी बेटी नाम्या जोशी, जो सतपाल मिडिल स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती है, उसको दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में यंग इनोवेटर समिट जो माइक्रोसॉफ्ट ने करवाया था वहाँ पे इनवाइट किया गया था, जहाँ उसको उसने अपनी जर्नी को सब बच्चों और स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ साझा किया, जहाँ पे सीईओ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला और प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया मिस्टर अनंत महेश्वरी भी उपस्थित थे। और उन्होंने, मिस्टर सत्य नडेला ने इसकी तारीफ की कि इसने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, दूसरे लोगों के साथ भी बांटा है और दूसरे लोगों को इंस्पायर किया है कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इनोवेट करने के लिए। दूसरे बच्चों के लिए ये संदेश है मेरे अनुसार कि सोशल मीडिया पे और आपके कंप्यूटर पे बहुत सारी गेम्स हैं, अगर आप वाइजली अपने टाइम को यूज़ करते हो और टाइम मैनेजमेंट करते हो तो कोई भी गेम को आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ाती है, तो नाम्या ही नहीं कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो सॉफ्टवेयर इज माइनक्राफ्ट एंड ये ऑलमोस्ट हर बच्चा दुनिया का फोन पे खेलता है, तो बच्चे को मेरे ख्याल से ये सिंपल तरीका जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी पढ़ा है बच्चे, पेरेंट्स उसको बस वो गेम खेलने के और उसे बोलो कि जो भी पढ़ा है उसको उस गेम के थ्रू पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करो, एंड आई थिंक वो बच्चा कभी भी वो कॉन्सेप्ट लाइफ में नहीं बोलता। मेरे ख्याल से बच्चे को स्पेस दीजिए, बच्चे की जो रुचि होती है उसको देखिए और उसे बढ़ावा दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बच्चे को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने देते हो किसी चीज़ के साथ, जब आप किसी को स्पेस देते हो बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, एंड एक बच्चे के कारण अगर 20 बच्चे इम्पैक्ट हो सकते हैं तो क्यों ना। आई थिंक एनकरेजमेंट और मोटिवेशन जो चीज़ है वो अगर आप बच्चे को दे सको मेरे ख्याल से बच्चा वंडर कर सकते। ये जूनियर स्कूल में आया था एंड ये हमारे साथ काफ़ी साल बाद, तो मैं आपको यही बता रही हूँ हमारे स्कूल में एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हर बच्चे को हम खेलने देते हैं जैसे वो खेलना चाहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप कास्ट में सब बच्चा होना चाहिए। तो अगर आप हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअलिटी की सिख लेते हो, उसको वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको प्यार देते हो, ऐसा दुनिया का कोई बच्चा नहीं है जो खेल नहीं सकता, बस उसे वो प्यार चाहिए, उसे वो एनकरेजमेंट चाहिए, उसको वो मोटिवेशन।